गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, या आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उस वक्त वो आपको समस्या क्रिएट कर देता है। वह है आज हम लोग का अपना अपनी अपने का अंग्रेजी अनुवाद, कि कहां पे अपना के लिए माई होगा और कब, कभी आप हिज लिखते हैं तो कभी हर लिखते हैं, उसका रहस्य जानिए। और ये आपको एकदम इजी में समझाऊंगा। देखिएगा, जहां पे आई की बात होगा वहां पे अपना के लिए माई लिखिएगा। जैसे मैं अपनी मां से प्रेम करता हूं तो आई लव माई मदर होगा। मैं का आई, आई का अपना के लिए क्या लिखेगा? माई। मैं अपनी मां से प्रेम करता हूं, आई लव माई मदर। वी का अपना के लिए क्या होगा? आवर। हम लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, वी लव आवर कंट्री। तो वी के अपना के लिए क्या हुआ? आवर। यू के अपना के लिए योर का यूज होता है, तुम अपनी बहन की मदद नहीं करते हो, तो यू डोंट हेल्प योर सिस्टर। तो यू के अपने के लिए क्या? यो। दे के अपने के लिए दे, ही के अपने के लिए हिज, सी के अपने के लिए हर, इट के अपने के लिए इट्स। तो आप बताइए अमन के अपना के लिए क्या होगा? बिल्कुल सही, हिज। क्यों? कि अमन क्या है? किसी बॉय का नाम है, तो बॉय के लिए प्रोनाउन क्या आता है? ही। तो ही के लिए क्या होगा? हिज तक होगा। तो अमन भी क्या है? एक बॉय है, तो बॉय के लिए भी अपना के लिए क्या आएगा? हिज। जैसे अमन अपना पाठ याद नहीं करता है, अमन डजंट रिमेम्बर हिज लेसन। सोनी किसी गर्ल का नाम आ जाए तो वहां पे आप हर के यूज कीजिएगा, क्योंकि सोनी के लिए सी आएगा, सी के अपना के लिए हर होता है, तो सोनी के अपना के लिए भी हर का ही यूज होगा। सोनी अपने पिता की मदद नहीं करती है, सोनी डजंट हेल्प हर फादर। अमन एंड सोनी, जब भी टू नेम्स की बात हो, चाहे वो टू नेम्स ओनली बॉय का ही दिया हो या गर्ल का दिया हो, या एक बॉय एक गर्ल, तो वहां पे अपना के लिए देयर का ही यूज होगा। जैसे हम कहें कि राधा और पूजा, राधा और पूजा अपनी मां की मदद करती है, तो राधा एंड पूजा हेल्प देयर होगा, हेल्प देयर मदर। वन के अपना के लिए ऑलवेज वॉन्स का ही यूज होगा, ये बहुत बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बताइएगा माई मदर के अपना के लिए क्या होगा? माई मदर के लिए क्या होगा? माई मदर, तो माई से मतलब नहीं है, मदर से मतलब है। मदर क्या है? फीमेल। तो फीमेल के लिए क्या? सी आएगा, तो सी के लिए क्या होता है? हर अपना के लिए। तो मदर के लिए भी क्या होगा? हर के यूज होगा। अब बताइएगा ऐसे है, दे दे योर फादर, अब योर फादर के लिए क्या होगा? अब आप योर से मत कंफ्यूज होइए, आपको फादर से मतलब है, तो ये क्या है? मेस्कुलिन जेंडर। तो मेस्कुलिन जेंडर के लिए हम किसके यूज करते हैं? ही का यूज करते हैं, तो ही का अपने के लिए हिज होता है, तो योर फादर के लिए क्या होगा? हिज। अब देखिए कुछ ट्रांसलेशन आपको बता दे रहा हूं। फर्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन, मैं अपनी मां से प्रेम करता हूं, मैं अपनी मां से प्रेम करता हूं, तो आई लव माई मदर, आई लव माई मदर। यहां पे माई के बदले हिज हर कुछ भी लिखेगा तो गलत होगा। हम लोग अपने देश से प्रेम करते हैं तो वी लव आवर कंट्री होगा, यहां आवर के बदले हिज हर कुछ भी लिखेगा तो गलत होगा। नेक्स्ट है राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपने देश से प्रेम करते हैं, तो राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी लव देयर कंट्री होगा, यहां देयर के बदले हिज हर कुछ भी लिखेगा तो गलत होगा। देखिएगा देयर। मोदी अपने देश से प्रेम करते हैं तो मोदी लव्स हिज कंट्री होगा, यहां पे हर कंट्री नहीं होगा। और वे लोग अपने देश से प्रेम करते हैं तो दे लव देयर कंट्री होगा, यहां पे आप हिज हर का यूज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से मैं कहूं कि सोनी अपने देश से प्रेम करती है तो सोनी लव्स हर कंट्री, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और आपको बता रहा हूं, देखिएगा जब भी सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होगा,
सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिया हो, जैसे यू एंड आई दे दे, यू एंड आई, तो वहां पे आप अपना के लिए आवर के यूज कीजिएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम आपको बेस्ट ट्रिक बताएंगे। आप देखिए फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, ये तीनों डिवीजन की बात, इसमें इन तीनों में आप कौन होना चाहिएगा, फर्स्ट की सेकेंड या थर्ड, सब कोई कहेगा कि मैं फर्स्ट होना चाहूंगा। तो जहां पे फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दिया होगा वहां पे आप ऑलवेज फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आवर का यूज कीजिएगा। तो सेकेंड है और फर्स्ट है, तो यहाँ पे अपना के लिए हम आवर के यूज करेंगे। यू एंड आई मस्ट ऑबे आवर टीचर्स, यू एंड आई मस्ट ऑबे आवर टीचर्स, यहाँ पे आवर के यूज हुआ है। आवर के बदले आप किसी भी चीज के यूज कीजिएगा तो गलत होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकेंड है और थर्ड है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो आप बताइएगा सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन दो ही ऑप्शन हो, फर्स्ट न हो, तो सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन आप कौन सा डिवीजन को लाइक कीजिएगा। ऑफ कोर्स आप कहिएगा कि सेकेंड डिवीजन मैं चाहूंगा, यानी जब सेकेंड पर्सन दिया हो थर्ड पर्सन दिया हो तो वहां पे सेकेंड पर्सन का फॉर्म चलेगा, यानी योर का फॉर्म चलेगा। यू एंड सी आर नॉट हेल्पिंग योर मदर, अब यू एंड सी के अपना के लिए क्या होगा, योर का यूज होगा। नेक्स्ट है और सेकेंड दिया हो थर्ड दिया हो फर्स्ट, इट मीन्स तीनों पर्सन की बात हो, तो जब तीनों डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन थर्ड डिवीजन, तो आप कौन सा होना चाहिएगा। ऑफ कोर्स आप कहेंगे मैं फर्स्ट डिवीजन होना चाहता हूं, यानी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का फॉर्म चलेगा, यानी आवर होगा। तो यू ई एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, अब यहाँ पे आवर के बदले यूर हिच कुछ भी लिखिएगा तो गलत होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, यानी जहां पे सेकेंड और फर्स्ट की बात होगा तो आप फर्स्ट डिवीजन होना चाहते हैं तो फर्स्ट वी का फॉर्म चलेगा आवर अपना के लिए, और एक सेकेंड दिया हो और एक थर्ड पर्सन दिया हो तो वहां पे आप कहेंगे कि मैं सेकेंड होना चाहूंगा, ये ट्रिक अपनाइएगा, तो आप यू का फॉर्म योर लिखिएगा। और तीनों पर्सन दिया हो यानी तीनों डिवीजन दिया हो तो वहां पे आप क्या कहते हैं कि मैं फर्स्ट डिवीजन होना चाहूंगा, यानी वी का फॉर्म चलेगा आवर अपना के लिए लिखिएगा। और कुछ आगे देखिए, एवरीबॉडी समबॉडी एनीबॉडी नोबॉडी एवरीवन समवन नोवन एनीवन नॉन, यानी जितना इंडेफिनिट प्रोनाउन जितना बॉडी और वन वाला होना चाहिए यही, तो वहां पे आप अपना के लिए हिज का यूज कीजिएगा। जैसे एवरीबॉडी शुड डू हिज ड्यूटी, तो एवरीबॉडी के लिए हम अपना के लिए क्या यूज किए, हिज, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री, एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री, हर किसी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो यहाँ अपना के लिए क्या यूज हुआ है, हिज। अब आप यहाँ पे देयर लिखे हर लिखे तो गलत होगा। और देखिएगा जब एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग, यानी जितना थिंग वाला होगा तो वहां पे अपना के लिए आप इट्स का यूज कीजिएगा। एग्जाम्पल समझ में आएगा, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पे अपना के लिए क्या आया है, इट्स, यानी जितना थिंग वाला होगा तो वहां पे आप यूज कीजिएगा इट्स का। तो अब यहाँ इट्स के बदले किसी भी अन्य चीज के यूज कीजिएगा तो वो गलत होगा। एक और देखिएगा, कॉमन एरर आपके एसएससी में एक बार पूछा था ऐसा कि द टीचर सेड दैट वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, द टीचर सेड दैट वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, कौन सा पार्ट गलत है, फाइंड आउट एरर पार्ट। द टीचर सेड दैट वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, ए पार्ट गलत है द टीचर सेड, या बी दैट, या सी वन शुड डू और डी हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। और यदि इनमें कोई गलत नहीं है तो आपका आंसर नो एरर होगा। तो आप बताइए कौन सा पार्ट गलत है। हाँ बिल्कुल सही, कौन सा पार्ट गलत है, डी, क्यों, कि यहाँ पे वन दिया है तो वन के अपना के लिए क्या होगा, हिज होगा। वन के अपने के लिए हिज दिया है तो वन के अपने के लिए हिज ना होकर किसका यूज होगा, वंस का यूज होगा। तो हमारा पार्ट कौन सा गलत है, डी पार्ट गलत है, यहाँ हिज के बदले क्या होना चाहिए, वंस, वंस शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। इस प्रकार
आप कॉमन एरर पे ध्यान दीजिएगा और आपको ग्रामर का कोई भी टॉपिक जो आपको कठिन लगे वो हमें कमेंट करके बताइए, उस पर जरूर एक वीडियो बनाएंगे।